आज से 200 साल पहले और 1857 से भी पहले उड़ीसा में सुनाई पड़ा था विद्रोह का सुर, वीरों की ललकार और क्रांति की पहली पुकार। उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में बसा है खुर्धा नगर, जहां के वीर पाइक का योद्धाओं के पराक्रम के किस्से सुनने समुद्र की लहरें भी लौट लौट कर आती है। सन 1804, अंग्रेजों से युद्ध के बाद खुर्धा के राजा मुकुंद देव को बंदी बनाया जा चुका था। उनके दीवान और मंत्री जॉय राजगुरु ने युद्ध का पूरा जिम्मा अपने सर लिया। मुकदमा चला और 1806 में अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता से उनका वध कर लिया। खुर्धा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। आए दिन नए कानून बनने लगे, लोगों से उनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। देश को ऐसा ग्रहण लगा कि हर ओर अंधकार छा गया। पर तब सन 1817 में निराशा के काले बादलों को चीर कर निकली आशा की एक किरण। बाइक का सरदार बक्सी जगबंदी, जिस भूमि पर जय राजगुरु का खून गिरा था, उसी की मिट्टी को माथे पर लगा बक्सी जगबंधु ने पाइक विद्रोह का शंख बजाया। राजा नहीं तो क्या हुआ, देश का हर नागरिक देश का रक्षक है। बक्सी जगबंधु ने आवाज दी तो नयागढ़, दासपल्ला, बौद्ध, रणपुर और शेरगढ़ के पाइक योद्धाओं ने अपनी तलवारें तान ली। घुमसुर के कौंध जनजाति के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया। खल्ली कोटे के आम जन ने भी हथियार थामे। रियासतों के सरदार और जमींदार साथ आए और देखते ही देखते जनता की ऐसी सेना खड़ी हो गई जिसकी हुंकार सुन अंग्रेजों का हृदय भय से कांप उठा। बक्सी जगबंधु के कुशल नेतृत्व में पाइक का विद्रोह वो दावानल बन गया जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व भस्म होने लगा। जंगलों में छुपे पाइप का योद्धा घात लगाकर हमला करते और कंपनी के दफ्तरों, गोदामों और खजानों को तहस नहस कर देते। मीर हैदर अली, दीनबंधु सामंत राय महापात्र, दामू सुबुद्धि मंगोराज, सामंत माधव चंद्र राउत राय, पिंड की बाहुबलेंद्र और पूर्तिवास पाठसाणी जैसे रणबांकुरों को साथ लेकर सरदार बक्सी संघर्ष करते रहे। सबका लक्ष्य एक था, मातृभूमि की आजादी। पर जिस दिग्गज को 10 साल लंबा संग्राम नहीं हरा पाया, उसे एक विश्वासघात ने हरा दिया। अंग्रेजों ने सरदार बक्सी के परिवार को नजरबंद किया और चाल चलकर उड़ीसा के शेर को कैद कर लिया। कटक जेल में देश की आजादी का सपना देखते हुए इस महानायक ने आखिरी सांस ली। पर जिस आग को ये हवा दे गए, उससे हजारों मशालें रोशन हुई। वीर सुरेंद्र साई एक ऐसी ही मशाल थे। कहने को ये विद्रोह केवल 10 साल ही चला, पर वीर सुरेंद्र साई ने इसे कभी मरने ही नहीं दिया। 1864 में गिरफ्तार होने तक वे अपने साथियों के साथ लगातार स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुति देते रहे और दुनिया को बताते रहे कि जिन नागरिकों में राष्ट्र सम्मान का बोध है, वे सदा ही आजाद रहते हैं और देश हित में नई क्रांतियां लाते रहते हैं। आज एक कृतज्ञ देश हृदय में गर्व और सम्मान लिए अपने महान शहीदों को नमन करता है। पाइक का सरदार बक्सी जगबंधु की जय, पाइक विद्रोह के वीरों की जय।
ओडिशा के सच्चे सपूतों की युग युगांतर तक जय जय जगन्नाथ।